हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आज फिर से एक बहुत हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि फर्स्ट और सेकंड ईयर जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए गेट एग्जामिनेशन के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से तैयारी करना चाहिए, तो उसमें थर्ड ईयर या फिर जो भी फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए वो एक्सप्लेन है। जो सेवन्थ सेमेस्टर के हैं या फिर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरह से करना है वो जो मैंने सेवन मंथ स्ट्रैटेजी बनाया था ना उसी की तरह से करना है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कम्पीट करना उनसे ही जो एक साल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं पूरा या फिर दो साल से ड्रॉप लिए हुए हैं या फिर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी वैसे ही होता है कि साइक्लिक रिवीजन करना है या फिर इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है, तो फोर्थ ईयर के लिए वो बना दिया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए मुझे सेपरेटली एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। देखो, तुम बहुत माइनॉरिटी में आते हो जो बहुत जल्दी सीरियस हो गया, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम चाहते हो अभी से तैयारी करना, क्योंकि इवन मुझे भी नहीं पता था इन एग्जामिनेशंस के बारे में जब मैं लेट्स से फर्स्ट ईयर में था या फिर सेकंड ईयर में था। तो तुम्हें अवेयरनेस है और तुम अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो वो तो तुम बहुत हुआ तो एक साल में सॉल्व कर लोगे, बाकी का तीन साल क्या करोगे। ठीक, अभी तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें अपना बेस बनाना चाहिए, इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। और मुझे पता है कि मेजॉरिटी जो तुम लोग होगे वो प्राइवेट कॉलेजेस से होगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी होगे, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी अच्छा से पढ़ाई नहीं होता। IITs में, टॉप IITs में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होता, उनको टॉप के टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनके बुक तुम पढ़ रहे हो वही उन्हें जाके पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम 95% जो कॉलेजेस हैं इस कंट्री के, वहाँ पे पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं होता, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है क्योंकि इस कंट्री में कितने सारे इंजीनियर्स हैं और 95% कॉलेजेस में ऐसा हाल है कि मतलब टीचर्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं बताया जा रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इंजीनियरिंग में, जो भी मुझे पता चला उससे मुझे समझ में आता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई पढ़ा नहीं रहा फिर भी तुम फ्री का बहुत सारा रिसोर्सेज जो ऑनलाइन है या फिर इवन तुम अगर सही बुक्स पढ़ रहे हो, मैंने रिसेंटली एक और वीडियो बनाया था रेफरेंस बुक्स पे, तो अगर उसे देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ इन बुक्स को पढ़ने से फ़ायदा है, तो तुम कहीं पे भी पढ़ के निकल सकते हो। मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से ही हूँ और हाई लेवल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस क्रैक किया मैंने, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए। तो वो कैसे बिल्ड किया मैंने, तो देखो मेथड है जो तुम फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम फोकस करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस अच्छा से बने। ऐसा नहीं हो कि तुम टॉप पे पहुँच जाए पता चला कि बेस ही नहीं है तुम्हारा। अगर मशीन डिज़ाइन अगर तुम्हें अच्छा करना हो, स्टैंडर्ड मटेरियल ही ख़राब है तुम्हारा, तो कैसे करोगे, वो बात हो जाती है। और एक पॉइंट आएगा ना जब तुम सेवन्थ सेमेस्टर में रहोगे, उस टाइम पे तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि बुक्स पढ़े या फिर लेक्चर देखे या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से सुधारे, क्योंकि अभी तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है। जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में वो सुन लो, ऐसा नहीं कि तुम्हें अभी कम मेहनत करना है या फिर तुम आराम से कर सकते हो, नहीं, ये जो रेस है ना पूरा 4 साल चलता है। मैंने पूरा 6 साल मेहनत किया तब जाके कुछ लेवल पे पहुंचा, क्योंकि वो करते रहना पड़ता है। ऐसा सोच, क्योंकि बहुत लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना उनका 11-12 तक का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तुम एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे तो अब रगड़ना ज़रूरी है। जो अच्छे कॉलेज में पहुंच गए उन्होंने 2 साल मेहनत करी, अब तुम ऐसे स्टेट में हो जहाँ तुम्हें 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यूस उस हिसाब से। ठीक, तो अभी मैं तुम्हें एक एक करके बता देता हूँ कि स्टडी मटेरियल, स्टडी सोर्सेज क्या होते हैं और किस तरह से पढ़ना है। तो तुम्हें अभी अच्छा से बेस बनाना है, ठीक, तो तुम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं जा सकते। तुम अच्छा से पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, जो लेक्चर्स मैं अभी बोलने वाला हूँ उन्हें देखो, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, पूरा NPTEL तो पूरा का पूरा फ्री है, उसे क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो वो जब कर लिया ना तुमने, उसके बाद जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में घुसोगे तब तुम्हें पता चलेगा अभी भी तुम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यानी कि 20% क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुमने जो भी पढ़ा था वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ फोकस नहीं था, अभी तुमने कॉन्सेप्ट गेन किया, और कॉन्सेप्ट कोई भी गेन कर सकता है, GRE स्टूडेंट भी कर सकता है, ठीक, एक नॉर्मल इंजीनियर को इतना कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फोकस, क्लास नोट्स पढ़ोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स देखोगे, अनअकैडमी या जहाँ पे भी तुम देख रहे हो जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं उनके लेक्चर्स देखोगे, तब तुम्हें और भी ज़्यादा समझ में आएगा। फिर तुम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम फिर ES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुम धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के डायरेक्शन में जाने लगोगे। तो अभी देखो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, मैं अच्छे से बता देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोल देता हूँ, ये रिक्वेस्ट है कि तुम कम से कम 3 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करो,
क्योंकि क्या है कि इस कंट्री में बहुत बुरा हाल है कि मतलब स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके निकल जा रहे हैं, 4 साल के बाद उन्हें इंजीनियरिंग नहीं आता। तो तुम अगर ये काम करते हो तो ये तुम्हारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और किसी भी कॉलेज में बैठ के वो अच्छा खासा इंजीनियरिंग सीख के बाहर निकले। इससे तुम लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चेंज देखोगे। तुम छोटे छोटे चीज़ भी सही ढंग से कर लिए ना तो ओवर टाइम वो बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकता है। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने नहीं है, शेयर करो। अगर तुम्हें भरोसा है मुझ पे तो शेयर करो इस वीडियो को, अपने भाई से शेयर करो या अपने दोस्त से शेयर करो या फिर जो भी मिले बहन से शेयर करो, जो भी अभी बीटेक कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या है कि तुम्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग करना है। किसी भी इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक लेवल ऊपर ले जाओ। MIT के लेक्चर्स हैं वॉल्टर लुई के, वो फिजिक्स पे मतलब फिजिक्स 101 जो उनका होता है ना, तुम वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सेम सिस्टम है कि फर्स्ट ईयर में सबको फिजिक्स समझाया जाए, सबको थर्मोडायनेमिक्स समझाया जाए, बेसिक सबको समझाया जाए। तो वो उन्होंने फ्री का अपलोड करके रखा है। इवन येल यूनिवर्सिटी है ना, उसमें शंकर रामामूर्ति करके एक प्रोफेसर है डॉक्टर, उन्होंने पढ़ाया वहाँ पे और वॉल्टर लुई ने पढ़ाया MIT में। दोनों के लेक्चर्स फ्री में हैं, लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसे देख लो। क्योंकि वो पूरा सीरीज़ तुमने देख लिया ना, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा इंजीनियरिंग में, तुम्हें और भी ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। और सबसे टॉप की बात है कि तुम्हें अब आगे का चीज़ समझ में आने लगेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम वही है कि 11th और 12th का बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा ख़राब है उनका, और पूरा का पूरा इंजीनियरिंग 11th एंड 12th बैकग्राउंड पे ही बनता है। तुम देखोगे ना कि जो बहुत अच्छा कर गया ना 11th 12th में, वो अपना इंजीनियरिंग आराम से निकाल देंगे, बिना पढ़े वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा CGPA ला सकते हैं। क्योंकि सब कुछ वही है, फिजिक्स और मैथ्स जो 11th और 12th का था वो सारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक, तो अपना फिजिक्स को बहुत अच्छा कर लो, ये जो लेक्चर सीरीज मैंने बताया उसे पढ़ लो। मैथमेटिक्स पे अभी से टाइम देना स्टार्ट करो। मैंने एक रेफरेंस बुक बताया था, BS गरोवाल, काफ़ी अच्छा रेफरेंस बुक है। लेकिन लेक्चर्स भी काफ़ी तुम्हें मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे तुम्हें, NPTEL के भी अवेलेबल है, MIT के भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स पे सारे फ्री के। तो तुम क्या करो, ये फॉरेन सोर्सेज को थोड़ा देखना स्टार्ट करो ताकि तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छा से समझ में आए। वो लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताते हैं, जैसे वॉल्टर लुई के भी लेक्चर्स है ना, वो प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाएगा। जो भी करना है प्रैक्टिकल करना है, तुम्हें सिंपल प्रेशर सिखा रहा है या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में सिखा रहा है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल ही करके दिखाएगा। फ्रिक्शन के बारे में दिखा रहा है, तुम्हें बॉल ड्रॉप करके दिखाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में दिखा रहा है, तुम्हें प्रोजेक्टाइल दिखाएगा, थ्रो करके दिखाएगा वो तुम्हें वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ अवेलेबल है, तो उसे ज़रूर यूज़ करो। दूसरा सोर्स NPTEL के फ्री लेक्चर्स, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। IITs में मैंने क्या बोला, जो IITs में घुसते हैं उन्हें बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं ना, वो टीचर्स तो तुम्हें फ्री का पढ़ा रहे हैं। YouTube में सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, NPTEL का वेबसाइट जो है उसमें भी सारे के सारे PDF फॉर्म भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ये सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है। ये उन्होंने बनाया जो IITs में डॉक्टरेट कर चुके हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं पहुँच जाता। उन्होंने अच्छे से बाहर से PhD करके आए हुए हैं, तो वैसे लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। गायतोंडे सुखात्मे और SK सोम, S चक्रवर्ती, इन सब के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। और इन लेक्चर्स को देखते देखते तुम साइड बाई साइड नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन ज़्यादा फोकस नोट्स बनाने में मत करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी देख रहे हैं लिखते गए उसे हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद कभी नहीं आता। ये सब चीज़ ऐसा नहीं है जो तुम्हें बाद में रिवाइज करना है, ये सब चीज़ ऐसा है जो तुम्हें समझ जाना है, अच्छे से समझ के उसके बाद उसे अप्लाई करना है बाकी के टाइम पे। ठीक, तो ये सारे ऑनलाइन सोर्सेज तुम्हें फ्री के अवेलेबल हैं, तो इन्हें ज़रूर यूटिलाइज करना। स्टैंडर्ड बुक्स पे जो मैंने वीडियो बनाया उसे ज़रूर देख लेना, उन सब बुक्स को पढ़ना अभी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत इनिशियल फेज है। बुक्स पढ़ने से डेफिनेटली हेल्प होगा तुम्हें। फॉरेन ऑथर्स के बुक हैं या फिर काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स मैंने बताए उस वीडियो, तो उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अभी से कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दो कि जो भी चीज़ करना बहुत अच्छे से समझना है। ये भी नहीं कि खाली CGPA पे करके रट रट के नंबर ला रहे हैं, वो भी करना बहुत गलत होता है। तुम अच्छे से समझो, हर चीज़ को समझो, मज़े लेके पढ़ो, दोस्तों से डिस्कस करो और हर चीज़ में क्वेश्चन पूछो। लोग मुझसे पूछते हैं ना, ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जो बार को रिसो क्रैक हो जाए। मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता था, कोई भी क्वेश्चन। मतलब मैंने अपने से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी देखा है, लेकिन मैं उनके पास जाता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, और जो भी मैं गलत हूँ या फिर
लोगों क्या होता, तुम गलत प्रूफ हो गए तो तुम्हें थोड़ा ख़राब लगेगा, उससे मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था। क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में चल रहा है ना तो वो चलते रहना चाहिए जब तक उसका सोल्यूशन ना आ जाए, और मैं हर उस दूसरे बंदे से पूछूंगा कि उसका सोल्यूशन क्या होगा या फिर उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाए। कोई भी फिजिकल फेनोमेना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने, कुछ भी, हर चीज़ को तुम क्वेश्चन कर सकते हो। एक पेट्रोल अगर गिरा हुआ है तो वो ऐसे रेनबो का कलर कैसे दिखा रहा है, उसे भी क्वेश्चन करो, खोजो, चीज़ों को समझो अच्छे तरीके से। बबल बन रहा है वो उस तरह से क्यों बन रहा है, रेन जो है वो ड्रॉपलेट क्यों बन रहा है, हर चीज़ का एक रीज़न है। दरवाज़ा का डिज़ाइन है उसका भी एक रीज़न है। उस तरह से क्वेश्चन पूछते रहोगे तो वो दिमाग तुम्हारा उस तरह से डेवलप होता है। कोई भी डेवलप कर सकता है उस अच्छे कॉन्सेप्ट को, लेकिन क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। उसे दबा के मत रखो, इंटरेस्ट रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप पूछोगे तुम, जो भी मिलेगा उससे पूछोगे। अब तुम्हारे कॉलेज में अच्छे फैकल्टीज नहीं है तो क्या हुआ, उनसे भी पूछो, डिस्कस करोगे ना तो पता चलेगा खुद ही सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा, ठीक है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पूछो ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये लोग बार बार पूछते हैं। देखो कितना घंटा से नहीं होता, हर सेकंड को यूटिलाइज़ करना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसमें तुम अगर क्लास कर रहे हो 8 घंटा तो वापस आके तुम 3 से 4 घंटा भी पढ़ रहे हो तो ठीक है, सफिशियंट है। अब कॉलेज एक ऐसा टाइम है ना जहाँ तुम ये नहीं कर सकते कि 4 साल तुमने बस पढ़ाई ही करी, क्योंकि कॉलेज एक और जगह है जहाँ पे तुम्हें अपने पर्सनालिटी डेवलप करना है, अपना हॉबी डेवलप करना है, अपना पैशन खोजना है, दोस्त बनाना है वहाँ पे। दोस्त मतलब ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा 4 साल के बाद तुम्हें पता चलेगा ना कि जो तुमने दोस्त बनाए वहाँ पे उससे हेल्प मिल रहा है तुम्हें, वो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं एक तरह से। और पर्सनालिटी डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा CGPA लिया है, बहुत पढ़ लिए, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एट दी एंड तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे चलता है। बहुत सारा काम क्या होता है, गेट द थिंग डन, और उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए, उसके लिए इंटरेक्शन स्किल्स चाहिए, उसके लिए पर्सनालिटी चाहिए। तो इसीलिए मैंने थ्रू आउट अपने कॉलेज लाइफ में 4 साल मैंने स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क किया, कि मैं माइक्रोफोन ऑन करूंगा और कंटिन्यूसली बोलूंगा, कम से कम आधा घंटा डेली बोलूंगा, ताकि मेरा वो इम्प्रूव हो वो स्किल। और वो डेफिनेटली हर चीज़ को क्या तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते या फिर हर चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ इनटैंजिबल होते हैं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मेरा स्पीकिंग स्किल या पर्सनैलिटी या बोलने का तरीका जो भी है या एक्सप्लेन करने का तरीका मेरे इसरो इंटरव्यू में कितना काम आया, क्योंकि वहाँ पे लोग देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ उनके सामने, वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं किस तरह से डील कर रहा हूँ, या फिर BARC इंटरव्यू में या फिर इंडियन आर्मी इंटरव्यू में। तो ये तुम्हें कोई नहीं बताता कि तुम्हें अपना पर्सनालिटी पे वर्क करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है इस कंट्री में। और क्या है कि लोग ध्यान नहीं देते उस पर, सब बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम उसे किसी और को बता नहीं पा रहे हो या फिर अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो कि तुम कितना जानते हो, ठीक। तो पर्सनालिटी पे ध्यान दो, जो भी पढ़ाई करना है 3 से 4 घंटा अगर तुमने ढंग से फोकस लगा के पढ़ लिया, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, अच्छा से पढ़ाई करो, और उसके बाद अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। तुम कॉलेज में जिस तरह से घुसे हो ना, कॉलेज से निकलते समय तुम और ज़्यादा फिट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम बूढ़े होकर निकल रहे हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कॉलेज में, पता नहीं क्या क्या खाया क्या क्या पिया तुम जानते हो, उसके बाद 4 साल के बाद पूरा का पूरा हेल्थ डाउन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो नेगेटिव स्पाइरल है, वो तुम्हारा खराब ही होता जाएगा। और तुम कॉलेज लाइफ में अपना हेल्थ को नहीं अच्छा रख पाए तो तुम सोचो जब जॉब करोगे तो तुम कैसे मेंटेन करोगे उसे। तो अपने लाइफ में 1 घंटा हमेशा फिजिकल फिटनेस में रखो, कम से कम वीक में 5 दिन, दो बहुत ज़्यादा फिट होने का ज़रूरत है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, जिम है तुम्हारे पास प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें टाइम दो, लेकिन हाँ जब समय आए तब पढ़ लो। तो कॉलेज में तुम्हें स्मार्टनेस बढ़ाना होता है। देखो कि जो CGPA बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए ना कॉलेज में, वो बहुत आगे नहीं पहुँचते, वो ऐसे ही तुम देखो कि नॉर्मल जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्मार्टनेस बढ़ा लिया ना, क्योंकि अब तुम कॉलेज के बाद एक ऐसे दुनिया में जाओगे जहाँ तुम्हें कोई ऐसे आके नहीं पूछने वाला, तुम्हें खुद से अपना काम करना होगा, अपना नाम बनाना होगा, अपना CV बनाना होगा, और उस तरह से अपना वैल्यू बढ़ाना होगा तुम्हें मार्केट में, कि कोई तुम्हें हायर करना चाहता है, ठीक। तो ये सब चीज़ अपने दिमाग में रखो कि साइड का एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशली बताया। क्या पढ़ना है मैंने वो तो बता ही दिया, लेकिन अपने स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनालिटी, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अगर तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे बहुत भारी वैल्यू होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, वो तुमसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर तुमने बोल दिया मेरा फुटबॉल है तो वो अच्छा से हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछने लगेंगे तुमसे, समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कंप्लीटली नेग्लेक्ट मत कर देना। तो इतना समझ में आ गया, देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या बहुत सारे चीज़ होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होता है, फेस्ट होता है, हर चीज़ का एक अच्छा साइड होता है और एक ख़राब साइड होता है। कुछ लोग फेस्ट में खाली पी के घूमेंगे, ऐसे ही नाचेंगे, कुछ करेंगे नहीं, और कुछ लोग वहीं पे स्टेज में चढ़ के एंकरिंग करेंगे या फिर अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा रहे हैं,
कहीं भी बोलने का मौका मिले तो उसे ज़रूर यूटिलाइज़ करना। एक बार ये कॉलेज ख़त्म हो गया ना, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा ये मौका, तो उसे ज़रूर यूटिलाइज़ करना। अगर डिबेट्स हो रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करो, इम्प्रूव करो। अगर तुम अपना स्पीकिंग स्किल्स अभी से इम्प्रूव कर रहे हो तो अपने आप को टेस्ट भी करो, कॉम्पिटिशन्स में टेस्ट करो, या फिर ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, 200 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, वो तुम्हारा वैल्यू रखता है। देखो इंडियन आर्मी के इंटरव्यू में मैं बैठा था ना, तो उसमें था मेरा कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या फिर मेरे पास ब्लैक बेल्ट है, तो उन सब चीज़ों का बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यू आर समथिंग डिफरेंट नाउ, तुम बाकी चीज़ों को भी ध्यान दे रहे हो। और हाँ, ये मत सोचना कि इसमें मेरा टाइम जाएगा, तुम अगर फिजिकली फिट रहोगे ना तो तुम्हारे को पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और तुम्हें क्या करना है लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि समझो कब क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि अब तुम 18 ईयर्स के ऊपर चले गए तो तुम जज कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो हर एक सेकंड का यूटिलाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि हर एक सेकंड पढ़ना, लेकिन अभी क्या करना है, क्योंकि मैंने बताया था वो चीट डेज वाला वीडियो भी मैंने बताया था, उसमें था कि कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते, पोमोडोरो टेक्निक में भी बताया कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते। तो उन सब चीज़ों को समझो, और तुम्हारा एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस तरह से हो रहा है और तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस तरह से हो, वो सब अपने दिमाग में रखो। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए यही है मेरा सजेशन कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, पढ़ना तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, और तुम बहुत सारी चीज़ सैक्रीफाइस कर रहे हो, मान लो तुम ट्रिप सैक्रीफाइस कर रहे हो बैठ के पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट दी एंड तुम्हारा पर्सनैलिटी इंप्रूव होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग तुमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, टू द पॉइंट तुम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो, और ये दो चीज़ हो जा रहा है तुम्हारा, फिर तुम्हें जो करना है करो, ठीक। और अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी से तुम्हारे को अपना ध्यान खुद ही रखना है, अब तुम इंडिपेंडेंट दुनिया में घुस चुके हो, ठीक है। मैं मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया, तुम्हें और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, और हो सकता है मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना कम से कम 3 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें तुम जानते हो, इससे इन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। मैं एक ऐसे पोजीशन में हूँ जहाँ काफ़ी हज़ारों लोग मुझे देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ इससे कुछ हेल्प हो नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि अगर मैं उन सब कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के BARC का इंटरव्यू लेवल क्रैक कर सकता हूँ, या फिर ISRO का इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, और मुझे पता है काफ़ी NITians और IITians क्रैक करते हैं ये सब इंटरव्यूज़ को, लेकिन कॉमन प्राइवेट कॉलेजेस से भी बहुत लोग क्रैक करते हैं, और मैं उनके साथ रहा हुआ हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, और उसके बाद मैंने ये वीडियो को बनाया। तो इसे ज़रूर शेयर करना, एक इंजीनियरिंग का लेवल इंक्रीज़ करने का चांस है आज तुम्हारे पास। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आशीष रंजन, उसमें मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो अगर तुम्हें अपना स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो वहाँ जा सकते हो। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, उसमें भी तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में घुसा था तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, उसके बाद किस तरह से मैंने इंप्रूव किया अपनी उस पर्सनालिटी को, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ उस चैनल में, तो वो देख लेना। तब तक के लिए। Time we start looking as a